देखिए, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो तीन मुद्दे थे। पहला मुद्दा, जो पहला पॉइंट था, वो ये था कि हमने जो कंप्लेंट करी है और जो हमारा जो क्वेश्चन था संदीप सिंह से, वो ऐसा नहीं था कि सरकार को ये करना पड़ता, उसका एक सरकार जवाब दे सकती थी। क्या सरकार इतनी डरी हुई है कि वो एक क्वेश्चन का, एक सिंपल क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाई? दूसरा जो मेरा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट ये था कि आज एक महीने से ऊपर हो गया है, हमारी जो जूनियर हमारी बहन कोच हैं, उनके FIR को रजिस्टर हुए, उस पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तीसरा जो सबसे बड़ी बात हम कहने आए थे आज, हम ये कहने आए थे आप लोगों के माध्यम से, या तो सरकार इसको बर्खास्त कर दे, हम 10 दिन का समय दे रहे हैं, 10 दिन के बाद नहीं तो हम रोडों पे उतरेंगे। मामला तो आप लोगों ने 26 जनवरी को देखा है कि किस तरीके से मैंने एक सिंपल क्वेश्चन किया था कि साहब आप अपवित्र हैं, आप ये झंडा नहीं छू सकते, और उसके बाद उनके इशारे पे, उस साहब के इशारे पे क्या क्या हुआ, किस तरीके से एक सरदार जी ने मेरे शॉल को उतारा, मेरे गले में डाल के उस मुझे घसीटने की कोशिश करी, फिर मेरे गले में 2-3 चक्कर काट के मुझे फांसी देने की कोशिश करी, और किस तरीके से पुलिस ने मुझे मिसहैंडल किया विदाउट लेडीज़ पुलिस जी। आप लोगों ने एक महीना पहले आप लोगों ने देखा किस तरीके से एक जूनियर महिला कोच प्रेस के सामने आई, उसने अपनी आप बीती बताई और बताया कि किस तरीके से संदीप सिंह ने उसके उस पर इज्जत, उसकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करी। और जब प्रेस के सामने आने के बाद, क्योंकि पहले तो वो इतने दफ्तरों के चक्कर काट चुकी थी कि उसकी किसी ने सुनी नहीं, वो CM के भी गई, DGP के भी गई, लेकिन वहाँ सबसे वो भगा दी गई। फिर प्रेस में आने के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन उस पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हम उसकी बात करने आए थे, हमारा वो दूसरा टॉपिक था। हम सरकार को सिर्फ 10 दिन का समय दे रहे हैं, 10 दिन में या तो सरकार इस आदमी को बर्खास्त कर दे, 10 दिन के बाद हम रोडों पे भी उतरेंगे, हम पंचायतें भी करेंगे, और ये आदमी की हम हर हरियाणा के हर जिले में एंट्री बैन करेंगे। हम ये 8 जनवरी को नारनंद में कर चुके हैं, अब हम 10 तारीख से हम कैथल से शुरुआत करेंगे।